सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी और बादशाह। वो नबी और बादशाह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। इस तरह वो खुद नबी थे और नबी के फर्जंद थे, नीज खुद बादशाह और उनके वालिद भी बादशाह थे, जिन्होंने तारीख की सबसे अजीमशान ममलिकत की बुनियाद रखी और इसे हक, इंसाफ और सलामती जैसे इंसानी उसूलों पर कायम किया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जो अजीब चीज़ें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के काबू में दी थीं, उनमें से एक हवा भी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा को हुक्म देते तो वो उन्हें उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उठा ले जाती। इस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़रा से वक्त में दूर दराज के मुल्कों का सफ़र कराते। इसी तरह जिन्नों और शैतानों को भी उनके काबू में कर दिया था, जिनमें से बाज़ मेमार थे जो वो सारी चीज़ें तामीर करते जिनका उन्हें हुक्म दिया जाता। बाज़ गौताखोर थे जो समंदरों की तहों में उतर कर खजाने निकाल लाते थे। इसी तरह उनके लिए परिंदे, जंगली जानवर और चींटियां भी मुसख़र कर दी गई थीं। वो सब सुलेमान अलैहिस्सलाम के मददगार थे उनकी सल्तनत में भलाई, खुशहाली और तरक्की के हुसूल में, ताकि वो सब पुरसकून और अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकें। इसी तरह अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हिकमत और गहरी समझ भी अता फरमाई थी। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों और जानवरों की बोलियां सिखाई थीं। चुनाचे एक मर्तबा जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्करों के साथ बाबा रकाब थे और चींटियों की वादी के करीब पहुंचे, तो एक चींटी ने उन्हें दूर से देख लिया और बाकी चींटियों को आवाज़ देकर खबरदार किया और उन्हें अपने बिलों में दाखिल हो जाने का हुक्म दिया, ताकि बेखबरी में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर इन चींटियों को रौंद ना दें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब चींटियों की बात सुनी और समझ ली तो वो मुस्कुरा उठे। जिस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हर चीज़, ख़ा वो इंसान हों, जिन हों, परिंदे हों या हवा हो, मुसख़र कर दी थी, इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस पूरी बादशाहत को रूए ज़मीन की आबादकारी और इंसानों की हिदायत के लिए मुसख़र कर रखा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हक के मामलात में मजबूत और ताकतवर बादशाह और ऐसे नबी थे जो ज़मीन पर अल्लाह ताला की मर्ज़ी को पूरा करने में और इंसानों के ज़मीन पर बेहतर खिलाफत में लगे रहते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत और ममलकत बहुत वसी थी, चुनाचे वो ज़मीन के रास्तों पर एक जगह से दूसरी जगह आते जाते, अपने अजीम मकासद को पूरा करने, अल्लाह ताला की बंदगी की बुनियाद पर इंसानियत के इत्तेहाद के लिए और इख्तलाफ, फसाद, बिगाड़ और कशमकश को ख़त्म करने की खातिर। नीज़ उन्होंने अपनी हुक्मरानी और बादशाहत और हिकमत व नबूवत के ज़रिए उन्हें अता करदा सारी नेमतों को बेहतरीन सूरत और बुलंद तरीन मकसद के साथ हक की इशाअत और मखलूक की नफर रसानी में लगा दिया। चुनाचे वो अपने हुदहुद को एक पैगाम के साथ मलिकाए सबा के पास रवाना करते हैं, उसे यानी मलिकाए सबा को अल्लाह ताला की बंदगी की दावत देने की खातिर। चुनाचे मलिका सबा बिलकीस इस अजीमुशान बादशाह से मुलाकात के लिए आती है और उनके महल में दाखिल होती है, तो उनके पास जो चीज़ थी उसे देखकर दंग रह जाती है। उसका अपना अर्श, जिसे वो ममलकत में छोड़ाई थी, वो देखती है कि गोया वही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास मौजूद है। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब उससे अल्लाह ताला के बारे में गुफ्तगू करते हैं और ये कि वही माबूद बरहक है, तो बिलकीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत में दाखिल हो जाती है और अल्लाह ताला का बेपाया शुक्र अदा फरमाया उन नेमतों पर, जिनके बारे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते थे कि इन्हें इंसानियत की खिदमत, रुए ज़मीन की आबादकारी, अमन व सलामती के हुसूल और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फरमाबरदारी की खातिर कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए।